ये मेरा होटल का बालकोनी से आपका स्वागत है। दोस्तों नमस्कार, अभी पटना में हैं और आज पटना को एक्सप्लोर करने वाले हैं। ये जो व्यू आप देख पा रहे हैं, ये रेलवे स्टेशन के सामने ये ब्रिज है और ये नीचे का ट्रैफिक आप देखें, ये बिल्कुल रेलवे स्टेशन के सामने ही है। और इधर का ये व्यू देखें आप, ये ब्रिज। तो आज हम इस वीडियो में पटना शहर को एक्सप्लोर करने वाले हैं। पूरा वीडियो देखें, आपको मज़ा आएगा। बहुत ही भीड़ भाड़ है नीचे, आप देखें बहुत सारी आवाज़ आ रही है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, पूरा वीडियो देखें आपको मज़ा आएगा। आइए नीचे चलते हैं और पूरे पटना को एक्सप्लोर करते हैं इस वीडियो में। और ये ऑटो में हमने हमारा सफ़र शुरू कर दिया है, आगम कुआ तक जाएंगे, वहाँ से फिर हम नदी क्रॉस करेंगे। ब्रिज के ऊपर से गंगा नदी को देखने वाले हैं आज इस वीडियो में आप, और पूरे पटना शहर को हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। ये कौन सा रोड है अपना दादा? ये पटना जंक्शन है। ये पटना जंक्शन से हमने शुरू कर दिया है। और ये देखिए हाईवे ब्रिज बना हुआ है, इधर से देखिए आप। कितना दूर होगा यहाँ से आगम कुआ? सात किलोमीटर है। 7 किलोमीटर है आगम कुआ? वाह जी वाह, 7 किलोमीटर का सफ़र इस टेम्पो में। जो भैया पीछे बता रहे 4 किलोमीटर है, टेम्पो वाले बोल रहे हैं 7 किलोमीटर है, ये एक डिबेट है। तो मेरा मोबाइल बता देगा, लेकिन मेरे मोबाइल में बच गया, मेरे मोबाइल में। हाँ कहाँ रखे मोबाइल को? यह ठीक है। नहीं, यह आपका ही आ रहा है, ये आपकी फोन पत्ती आ रही है ना रिकॉर्डिंग में साथ में। अभी ठीक आ रहा है, अभी देखिए पूरा ट्रैफिक आ रहा है, खाली ट्रैफिक ही आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा। अब 7 किलोमीटर है कि 3 किलोमीटर है ये देखना पड़ेगा। जो भी है, हमें तो एक्सप्लोर करना है, हमें तो देखना है पटना को। आप क्या बोल रहे हैं, 4 किलोमीटर? 4 होगा, जान जोड़ के बता दिए। हाँ ये दादा बता रहे हैं, ये टेम्पो में थोड़ा सा ज्यादा बता देते हैं। नहीं देखिए, इनको मालूम नहीं है, इनको मालूम नहीं है। पटना साहिब हम लोग यहाँ से 12 किलोमीटर पड़ता है। पटना साहिब 12 किलोमीटर है? हाँ, आगम कुआं 7 किलोमीटर पड़ता है, वहाँ से 5 किलोमीटर पड़ता है पटना साहिब। इनको जानकारी नहीं है इसलिए बोल रहे नहीं है। अच्छा अच्छा, इनको जानकारी इसलिए आपको बोल रहे हैं, पता कर लीजिए आप। वैसे तो अभी क्या है, इंटरनेट में सब कुछ मिल जाता है, आपको पता ही है। अभी हम डालेंगे तो वो बता देगा कौन सा दूरी कितना है। हाँ, एक एक वो मतलब मीटर बता देते हैं कितना मीटर है क्या है।
नालंदा मेडिकल कॉलेज का ये इलाका, कॉलेज राइट साइड में रह गया। और ये हम जिस रोड पे चले हैं उसके दूसरी साइड में नालंदा मेडिकल कॉलेज है। और ये देखिए शादी की तैयारियां चल रही हैं। साइड में कुमरार पार्क भी है। भैया मेरे साथ बैठे हैं, वो मेरे को बता रहे हैं कुमरार पार्क है राइट साइड में। अभी हम जिस चल रहे हैं उसके दूसरी साइड में अपोजिट। और ये यहाँ काफ़ी सारे बच्चे खेलते हुए। और ये स्लम एरिया आ गया, ये स्लम के बच्चे हैं यहाँ पर देखिए। हाजीपुर तरफ ये सामने गांधी सेतु, महात्मा गांधी सेतु ब्रिज जो गंगा नदी के ऊपर बना हुआ है वो हमें दिखाई देने लग गया। ये वाला और अभी हम इस रोड से चल के आए, यहाँ पे हमें ऑटो वाले भैया ने उतार दिया। ये जो नीचे आप देख पा रहे हैं ये जो ऑटो खड़े हैं यहाँ पर। और अभी मैं इधर से चल के और इस पुल के ऊपर आ गया हूँ देखिए। और अभी हमें जाना है हाजीपुर की तरफ। इधर ये सामने सीधा हाईवे जा रहा है, ये गांधी सेतु है, महात्मा गांधी सेतु। तो देखते हैं ये ऑटो वाले जाते हैं क्या मिलता है हमें। हाँ सॉरी ले लो कोई बात नहीं। ये हमें ऑटो मिल गया भैया जो हमने यहाँ से शुरू कर दिया है महात्मा गांधी सेतु के ऊपर। अभी हम चल रहे हैं और आगे गंगा नदी है, न
गंगा नदी के ऊपर से ये ब्रिज बनाया है, इसका नाम रखा है महात्मा गांधी सेतु।
आज का ये हमारा वीडियो जो हमने पटना रेलवे स्टेशन के बाहर से हमारे होटल से शुरू किया था और पूरा यहाँ पटना के इस ब्रिज पे जो गंगा नदी के ऊपर बना हुआ है महात्मा गांधी सेतु, इसके ऊपर ये वीडियो हम यहाँ पर एंड कर रहे हैं। ऐसा लगा अपना कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।